क्या है, इसमें भी देखो कोई साइन नहीं यूज किया है, साइन यूज करते तो हमारा क्लू क्या होता, क्या होता क्लू, इवन ऑड या फिर कॉन्सोनेंट और वोवेल, लेकिन इसमें साइन नहीं है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अब हमको खाली नंबर देखना है, तो नंबर देखते ही क्या आपको लग रहा है कि ये सब नंबर क्या है, स्क्वायर्स है, नहीं पता चल रहा है, 4, 36 पता नहीं, जीरो की एल है पता नहीं, मुझे पता है जीरो है ये, क्योंकि सब में नंबर दिया है तो यहाँ पे भी नंबर होगा। क्या आपको पता है कि नंबर जीरो और ओ में डिफरेंस क्या होता है? जब ऐसे में बच्चों को कंफ्यूज होता है कि नंबर वो जीरो है या फिर लेटर ओ है, तो कैसे पता करोगे? हाँ, जो जीरो होता है वो ऐसे अंडाकार में होता है और जो ओ होता है वो बेचारा गोल मटोल होता है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि ओ होता है या क्या होता है, समझ में नहीं आता है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे पता चल रहा है 18 का स्क्वायर है ये 15 का स्क्वायर है, ये 6 का है, ये 4 का है, ये किसका स्क्वायर है, 23 का, 23 का स्क्वायर है, ये 6 का है, ये 2 का है। अब यहाँ पे जीरो है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ तो किया होगा इन्होंने, जीरो का स्क्वायर आया होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर है ये हमने श्योर कर लिया, ठीक है। तो जीरो तो किसी का स्क्वायर होता नहीं, इसका मतलब कि वहाँ पे जीरो, तो जीरो क्यों आया? अगर ये 36 का स्क्वायर है तो 36 का सॉरी 6 का स्क्वायर है अगर वो, तो 6 यहाँ पे क्या किया इन्होंने, नंबर्स ऑफ लेटर तो है नहीं, 1, 2, 3, 4, 6 नहीं है, है कि नहीं? तो क्या 6 किसी का प्लेस वैल्यू है यहाँ पे? वेरी गुड। तो 8 है ये, H का क्या आएगा, 8 आएगा, B का क्या 2 आएगा, इक्वल टू 6, तो 6 का यहाँ पे उन्होंने कर दिए 36। चलो, हमको 36 नंबर हमने इसलिए पकड़ा क्योंकि नंबर हमको जाने पहचाने लग रहे थे, क्योंकि सब स्क्वायर्स थे, ठीक है। तो स्क्वायर्स है इसका मतलब कि एक बात हो सकता है कि वो नंबर्स ऑफ लेटर्स हो, लेकिन यहाँ पे 36 नंबर्स नहीं है यहाँ पे, और ना ही ये 6 लेटर्स है यहाँ पे कि 6 का स्क्वायर 36 कर दिया, ऐसा भी होता है ना, नंबर्स ऑफ लेटर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो 6 नंबर है नहीं, हमको तो 6 चाहिए लेकिन यहाँ पे 5 है, इसका मतलब कि इसमें कुछ और लॉजिक किया है। तो और लॉजिक क्या किया इसमें, फर्स्ट का प्लेस वैल्यू माइनस सेकेंड लास्ट का प्लेस वैल्यू जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर कर दिया है। इसके अंदर देखो बेटा, इसके अंदर भी ई का क्या आएगा, 5 आएगा, सी का क्या आएगा, 3 आएगा, 5 में से 3 गए 2 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, इसका मतलब हमको यहाँ पे कंफर्म यही आंसर है। लेकिन फिर भी एक और चेक कर लेते हैं, एन का यहाँ पे 14 होता है, टी का 20 होता है, तो 20 में से 14 गए 6 आता है, 6 का स्क्वायर 36 आता है, क्लियर है? तो मैं यहाँ पे नंबर का लॉजिक यहाँ पे लिख लेती हूँ, और आपको भी एग्जाम में लिखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि लॉजिक कैसे मिला हमको, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस लास्ट नंबर का स्क्वायर, यही है ना, फर्स्ट और लास्ट नंबर का जो भी लेटर है उसमें से माइनस कर दिया है और उसके अंदर स्क्वायर, ये माइनस का साइन मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट माइनस लास्ट नंबर का स्क्वायर लिख दिया, चलो ये नंबर मिल गया। अब हमको लेटर का लॉजिक कैसे मिलेगा, लेटर कैसे मिला है, देखो यहाँ पे नंबर का काम तो खत्म हो गया, चलो लेटर क्या दिया बेटा, जेड है, ठीक है, इसके अंदर भी एक ही लेटर यूज़ किया है, ठीक है, इसके अंदर भी एक ही किया है, लेकिन इसके अंदर देख रहे हो आप 1, 2, 3 लेटर यूज़ किया है, तो इसके अंदर कुछ और होगा हटके, क्योंकि इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें जेड है, अगर सब में एक एक होता है, एक एक लेटर अगर यूज़ होता है, तो हो सकता है कि फर्स्ट का अपोजिट है या लास्ट का अपोजिट है, या तो जो मिड है ना, बीच में का है ना, उसका अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 ही है यहाँ पे, और यहाँ पे सडनली 3 नंबर्स दे दिए, मतलब लेटर्स दे दिए हैं वहाँ पे, तो इसका कुछ लॉजिक और है। तो हम देखेंगे क्या यल किसी का अपोजिट लेटर है, किसी का नेक्स्ट लेटर है, और किसी का प्रीवियस लेटर है, तो लेटर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अगर लेटर का फाइंड करना है तो एल के बाजू में जो भी यहाँ पे लेटर लिखा है ना, उसका प्रीवियस लेटर भी लिख लेंगे, उसका नेक्स्ट लेटर भी लिख लेंगे, उसका अपोजिट लेटर भी लिख लेंगे। तो इसका पहले का लेटर क्या आ जाएगा, के, एल के बाद क्या आ जाएगा, यम, और एल का क्या है, अपोजिट। देखो इन्हीं इसी में से ज़्यादातर क्लू होते हैं, हाँ, इसी का ज़्यादातर लॉजिक होता है, लॉजिक इसमें ही ज़्यादा होता है, अगर लेटर्स की बात की गई है, या तो नेक्स्ट आएगा, या तो प्रीवियस आएगा, या तो नेक्स्ट प्लस 1 प्लस 2 प्रीवियस प्लस 2 प्लस माइनस जो भी आएगा, फिर उसके बाद में या तो ज़्यादातर अपोजिट वर्ड है। तो क्या यल अगर यहाँ पे आया है, जब आंसर में आप यल है, इसमें से कुछ तो होना चाहिए ना, के होना चाहिए, यम होना चाहिए, ओ होना चाहिए, पहला स्टेप है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। अगर ये तीनों में से कुछ भी काम नहीं किया तो हमको फिर और कुछ सोचना पड़ेगा कि पता नहीं इसका और लॉजिक क्या है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसका दिमाग लगा लेते हैं कि यल अगर यहाँ पे दिया है, इसका मतलब कि यहाँ पे या तो के होना चाहिए, या तो यम होना चाहिए, या तो ओ होना चाहिए, तो क्या इसके अंदर है,
एम दो बार दिया है, ओ भी दिया है, ओ माय गॉड, यानी कि एम भी दो बार दिया है, अब ओ भी दो बार दिया, यानी कि फिर से हम लोग कन्फ्यूज में, पॉसिबिलिटी ज़्यादा पड़ेगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगा कि हम एम को लेके सोचें या ओ को लेके सोचें। तो इससे अच्छा है, इसमें दिमाग लगाने से अच्छा है कि कुछ और एक नया वर्ड ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा है ना एम एम रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे ज़्यादा, तो हम क्यों ना इसको देख के चेक कर लें, ठीक है, यही लॉजिक इसके अंदर लगाते हैं। यहाँ पे जेड है बेटा, जो जेड है ना, तो हो सकता है इसका नेक्स्ट लेटर है, जेड के बाद जेड तो लास्ट होता है, तो उसका नेक्स्ट क्या होगा, ए होगा, यानी कि फिर से आपको रिपीट, फिर से ए बी सी डी चालू करनी है, ठीक है, तो जेड के पहले, और जेड के पहले भी अगर बोलते हो तो ए ही, नॉरी वाई होगा, अगर उसका अपोजिट बोलते हो तो ए होगा, ठीक है। तो अब इसमें से कुछ होना, अगर यहाँ पे जेड है तो अगर अपोजिट होता है या वाई होना चाहिए या तो ए होना चाहिए, यहाँ पे वाई नहीं है लेकिन ए है यहाँ पे, चलो यहाँ पे ए है, तो चलो एक लॉजिक बन सकता है हमारा, अगर ये नहीं काम किया तो फिर हमको कुछ और सोचना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है कि ए का अपोजिट हो सकता है यहाँ पे जेड है, ठीक है, अगर इसके हिसाब से अगर ये लॉजिक यहाँ पे लगाया जाए तो ओ का अपोजिट एल होता है, ठीक है, चलो हो सकता है कि अपोजिट दिया है, चलो ठीक है, जेड है अगेन यहाँ पे ए होना चाहिए, जेड का हमने देखा अभी, जेड है यानी कि ए होना चाहिए, वाई होना चाहिए, वाई है नहीं यानी कि ए है, इसका मतलब यहाँ पे अपोजिट लेटर ही उन्होंने यूज किया है, क्योंकि ए का अपोजिट लेटर जेड है, लेकिन क्या आपको देख रहे हो जो वी है, वी भी क्या है, ई का अपोजिट लेटर है, ई भी क्या है, वी का अपोजिट लेटर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हमने सी का क्यों नहीं लिया, हम एल का क्यों नहीं लिया, हमने ए और ई का क्यों लिया, क्योंकि वो क्या है, वॉवेल्स हैं, इसीलिए हमने वॉवेल्स का अपोजिट लेटर लिया है। देखो इसका लिया है तो इसका भी तो लेना चाहिए, डायरेक्ट आप सेकेंड नंबर को लेते हो, फिर उसके बाद लास्ट नंबर को लेते हो, फिर बीच में को भी उठाते हो, कुछ तो उसके अंदर मिस्ट्री होगी, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है ना, लेना है तो सीरियल वाइज लो, एक दो तीन चार, लेकिन वो बीच बीच में से उठा रहा है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये ना ए ई आई ओ यू ए वॉवेल्स हैं, तो ये इसका वॉवेल्स यहाँ, इसका अपोजिट यहाँ पे लिखा है, ई का अपोजिट लिखा है, अगेन ई का अपोजिट, ये हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो पहले उसको दूसरे में भी अप्लाई करके देखते हैं कि या ये मतलब है कि नहीं, फुल प्रूफ प्लान है या नहीं हमारा, ठीक है, हो है यहाँ पे, देखो एन का क्या है 14 है, एन का क्या है 13 है, 14 में से 13 गया, एक आता है तो एक का स्क्वायर एक आता है, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे, अगेन यहाँ पे ओ और ओ क्या है हमारे वॉवल्स हैं, तो ओ का अपोजिट एल, ओ का अपोजिट एल, यानी कि ये भी यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, सक्सेसफुल हो गया, जो भी है हमारा, मतलब हमको आंसर मिल गया, हमने लॉजिक लगा के देखा ना दो तीन में कि ये श्योर है या नहीं, तो यही लॉजिक है, दूसरा कुछ लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक क्या है इसका, अपोजिट लेटर्स ऑफ वॉवेल्स, तो ये इसमें लॉजिक लगा दिया है। चलो इसी लॉजिक के हिसाब से अकेडमी का कोड क्या आएगा, जरा बताओ बच्चों लोग, चलो जल्दी जल्दी बताओ, अकेडमी का कोड क्या आएगा, जल्दी बताओ, नंबर कैसे आएंगे, फर्स्ट और लास्ट, y का क्या है यहाँ पे 25, a का क्या है 1 है, तो 24 आता है, 24 का 576 आता है, ठीक है, उसके बाद a है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे z लिख दूंगी, अगेन यहाँ पे a है तो z लिख दूंगी, अगेन यहाँ पे e है तो मैं z लिख दूंगी, एक वॉवेल्स है z आ गया, अगेन a वॉवेल्स है z आ गया, अगेन e वॉवेल्स है v आ गया, क्लियर है।